हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आया है। यहाँ पे जब बात आती इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूँ, लेकिन एक बड़ी खबर एक बड़ी कंपनी की तरफ से यहाँ पे आई है। उनकी पूरी पूरी नज़र है और पूरी पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को ये जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं मार्केट में लीडर बनने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इसी कंपनी की अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिक भी रही हैं। चलिए, लेकिन सस्ते में मिल रहा है ये शेयर, पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट की इसने मार झेली। क्या वो गिरावट कंटिन्यू है, क्या वो गिरावट खत्म हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। फिलहाल इस स्टॉक को देखिए, बड़ी गिरावट की मार जरूर झेली, उसके कारण भी आप सबको पता ही होंगे, लेकिन अभी क्या स्थिति इस स्टॉक में बनी हुई है, क्या ये आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट लीडर बन सकता है या नहीं बन सकता, वो तो आने वाले टाइम पे देखा जाएगा, लेकिन करंट सिचुएशन देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और साथ में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट होती है डीमैट अकाउंट की। तो जाइए, अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। लेके चलता हूँ आपको सीधे स्टॉक की तरफ जी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। बड़ी खबर टाटा मोटर्स की तरफ से आई है आज की डेट गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को। और ये देखिए, आइंग लीडरशिप पोजीशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये लीडरशिप पोजीशन पे पूरी नजरें बनाए हुए हैं। और टाटा मोटर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर सरकार का पूरा पूरा पुश जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, वो हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, टाटा मोटर्स का जो टिगोर है, टाटा टिगोर है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बिक रही है जनरली फ्लीट कस्टमर के लिए, यानी कि पूरा का पूरा फ्लीट जाता है एक साथ, एक गाड़ियों का ग्रुप जाता है, पूरा का पूरा बिकता है अभी के टाइम पे। और अब यही चीज़ जो है वो पर्सनल सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स बेचना चाहता है। और साथ के साथ यही नहीं, जो नेक्सन है टाटा की SUV, कॉम्पैक्ट SUV नेक्सन है, उसको भी अभी वो जो है 300 किलोमीटर की रेंज में आने वाली है, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए टाटा मोटर्स पूरे के पूरे नज़र बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, अच्छी गाड़ियाँ निकालते हुए। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स लीडरशिप पोजिशन बनाना चाहता है, ऐसा मानना है जो शैलेंद्र चंद्र जी हैं, जो प्रेजिडेंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस टाटा मोटर्स के, उनका मानना है कि वी विल बी इन द लीडरशिप पोजीशन फॉर टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। और यहाँ पे टाटा मोटर्स का कहना है कि हम मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एक चार्ज में गाड़ी दौड़ जाए, और अगर इतना दौड़ती है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। और साथ के साथ और बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट में काम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल अगर सरकार की बात की जाए तो गवर्नमेंट का पूरा पुश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया के अंदर बिके, और उसके लिए इन गाड़ियों इन कंपनियों को आगे आना पड़ेगा और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी निकालनी पड़ेगी, तभी जो है मार्केट में गाड़ियाँ बिकेंगी। और जैसा कि आपको पता है, सरकार की जो फेम सेकंड स्कीम है उसके तहत जो फ्लीट सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उस पर जो है अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं। और यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से जो आया है कि जो प्राइवेट, अगर प्राइवेट व्हीकल्स की बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पे भी अगर सेम काइंड ऑफ इंसेंटिव मिलता है और मिलना चाहिए, तो और भी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। और साथ में ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि आप इस तरीके से, बिकॉज दे हैव द टारगेट, टेकन द टारगेट ऑफ 35,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर का टारगेट दिया है, तो कह रहे कि हाँ भाई प्राइवेट सेगमेंट में भी वो इंसेंटिव दीजिए, तो अच्छी बात है। और जहाँ तक बात की जाती है टाटा मोटर्स की, पिछले कुछ टाइम में बहुत ही बढ़िया उछाल आया है। जो स्टॉक 106 रुपये तक के लो तक चला गया था, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर देखने को मिला है। इसका मेजर कंसर्न जो है वो डोमेस्टिक सेगमेंट नहीं, जैगुआर एंड लैंड रोवर इसका बड़ा कंसर्न था। देखते हैं उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, जिसके बाद शेयर अपना बॉटम बनाने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जंप देखने को मिला है शेयर में। आपको यकीन नहीं होगा, जरा आप देखें पिछले कुछ महीनों में जो परफॉर्मेंस है। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मंथली चार्ट पे, टेक्निकल पे बात करेंगे। टेक्निकल से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो 30 जनवरी को ड्यू है। आज की डेट 26 जनवरी 2020 है, 30 जनवरी को रिजल्ट भी आने वाला है, तो इस रिजल्ट में भी काफ़ी उम्मीदें लगी होंगी। फिलहाल टेक्निकल की तरफ फोकस कीजिए और मंथली चार्ट को देखिए। अब मैं आपको मंथली चार्ट को जूम कराता हूँ।
यहाँ पे अगर आप मंथली चार्ट को देख पा रहे हो तो देखिए बिल्कुल 25 रुपये का बॉटम पॉइंट था 2009 में, और उसके बाद जो रिकवरी इसने करी थी वो काबिले तारीफ रिकवरी थी। स्टॉक ने 600 रुपये का हाई जरूर बनाया है। अब जैसे कि हम बार बार मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ थिंग बनाई इसने, और जहाँ पे ये आपने देखा कि एक बड़ा करेक्शन जरूर इस स्टॉक में आया, इसी तरीके से करेक्शन पहले भी आया था, लेकिन उस करेक्शन से पहले आप ये देखिए इस स्टॉक ने जो हमें मोमेंटम दिखाया, जो स्ट्रक्चर दिखाया, लो बनने के बाद हाई बनने की कोशिश की, देन अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि लोअर हाई बना था और लोअर हाई के बाद एक लोअर लो भी बना, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आ चुका है, लेकिन उसके बाद इसने एक इस हाई से ऊपर का हाई बनाया जो कि प्रीवियस हाई जो मार्च 2015 में बनाया था उसी के लेवल का, उससे थोड़ा नीचे ही था। इट मीन्स आपका डाउन ट्रेंड देखिए फिर से ये नया हाई बना नहीं पाया, डाउन ट्रेंड फिर देखिए स्टॉक नीचे गिरता गिरता काफ़ी नीचे आ गया। अब काफ़ी नीचे आते आते बीच में ये महीना फरवरी 2019 का महीना था, एक बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि लंबी लोअर शेडो देखने को मिल रही है, उसके बाद शेयर में बड़ी पॉजिटिविटी आई और शेयर ने 238 के लेवल तक का हाई बनाया, और उसके बाद अगले 4 महीनों में बड़ी गिरावट आई और ये सितंबर 2019 में बिल्कुल बॉटम पॉइंट अपना बनाया, और इस बॉटम पॉइंट के बनने के बाद अक्टूबर में इतना बड़ा उछाल आया, शेयर काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिली और एक ही महीने के अंदर 111 के लेवल से स्टॉक जो है 187, 188, 190 के लेवल तक चला गया। फिर अगले महीने नवंबर के महीने में थोड़ा करेक्शन रहा, लेकिन दिसंबर के महीने में बड़ा जंप, और अभी जनवरी के महीने में काइंड ऑफ इंडिसीजन देखने को मिल रहा है। अब ये तो हमारा डेली चार्ट नहीं मंथली चार्ट था, लेकिन अब मैं आपको वीकली पे लेके चलता हूँ, जरा वीकली देखें और समझें। अब मैं ये आपको अलग अलग तरीके से चार्ट इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखें। जैसा कि टाटा मोटर्स आपको पता है कि बड़ा प्लेयर है, और बड़ा प्लेयर इतने सस्ती प्राइसिंग पर जब 106 पे मिलने लग गया, और हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि बॉटम पे जो है बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट करते हैं शेयर को, और वो एक्यूमुलेशन हमको अगर उस तरीके से पता नहीं लगे, न्यूज से पता नहीं लगे, तो टेक्निकल चार्ट पर बड़े प्लेयर अपनी छाप छोड़ते हैं, और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जब ये स्टॉक 105-6 की रेंज में चला गया था वहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, और मैंने एक पॉइंट आपको हमेशा बताया कि जब बॉटम पर शेयर आता है तो बड़े प्लेयर जब उसको खरीदते हैं तो एक साथ बहुत सारा खरीदते हैं, फिर प्राइस जंप करता है, फिर कुछ पार्ट सेल करते हैं ताकि उनकी रेंज में स्टॉक आए। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो वीक है 26 अगस्त के बाद वाले 4 वीक में बड़ी खरीदारी हुई, बड़े बाइंग वॉल्यूम्स देखने को मिले, फिर उसके बाद थोड़ा सेलिंग हुई, और जैसे ही प्राइस वापस 110 के लेवल पर गया फिर से बड़ी खरीदारी हुई, और ये 3-4 हफ्ते फिर बड़ी खरीदारी हुई है, और वो आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि किसी बड़े प्लेयर ने स्टॉक को 110 से लेके 140 तक की रेंज में बहुत खरीदा है। आप देख पा रहे हो क्लियरली, इन वॉल्यूम्स को देखिए और ज़रा समझिए। उसके बाद स्टॉक ने बड़ी रैली ली, लेकिन अब जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि डाउन ट्रेंड जब आता है तो आपका लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है एंड लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है। ये पॉइंट आपने देखा होगा 126, ये लो बना, लेकिन उससे नीचे वाला लो और भी नीचे था, और ये जो करेक्टिव फेज था यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था 240 से स्टॉक 110 तक आया, लेकिन स्टॉक 110 पे आने के बाद फिर इसने नया लो नहीं बनाया, और बल्कि 110 से ये ऑलमोस्ट 200 के लेवल पे आ चुका है। ये बड़ा जंप अगर मैं देखूं इस डाउन ट्रेंड का, जो ये मेजर पार्ट था 240 से 110 तक आना, ये अपने आप में ये मान के चले कि 240 से 110 तक आना 130 रुपये की ये गिरावट थी। कितनी? 130 रुपये की गिरावट, और इस बड़ी गिरावट के लिए जो ये करेक्शन, मैं इस रैली को, इस डाउन ट्रेंड के लिए इसको मैं करेक्शन कहूँगा क्योंकि ऊपर को मूव कर रहा है। इस पार्ट को देखिए, ऑलरेडी 110 के लेवल से 200 के लेवल यानी कि 90 रुपये जंप कर चुका है, तो मतलब बड़ा जंप कर चुका है। इसका मतलब कि हाँ भाई, थोड़ा सा रिवर्सल जरूर आ चुका है, लेकिन बाकी चीज़ें हमको डेली पैटर्न बताएगा। जरा डेली पर चलिए और देखिए, डेली पे अगर मैं जाता हूँ तो डेली वाला पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन जोन को जरा देखें और समझें। इस जोन को जो मैं 106 से लेके 140 तक की रेंज को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ज़बरदस्त बायर्स दिखे हैं और ख़रीदारी कुछ इस तरीके से हुई। बॉटम बनने के बाद जैसा मैं आपको कहता हूँ कि भैया आपका हायर हाई का फॉर्मेशन बनना चाहिए, क्या वो हायर हाई का फॉर्मेशन बना? आप देख पा रहे हो, देखिए ये हायर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ साथ के साथ जो है लोज का फॉर्मेशन भी चेंज होता हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अच्छी बात तो है, ये देखिए L1, L2, L3 अच्छी बात तो है, लेकिन
सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक में तब तक अच्छी बात नहीं होती जब तक वो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता, और यहाँ पे टाटा मोटर्स जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। ये लाइन 200 डे मूविंग एवरेज की 160 के आसपास अभी भी देखने को मिल रही है, और इसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक ने वापस नीचे करेक्शन के फेज में आया। देखिए यहाँ पे नीचे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया गया, जो कि और भी बढ़िया बात है, और गोल्डन क्रॉसओवर ये ऑलरेडी बना चुका है। और गोल्डन क्रॉसओवर बनाने के बाद, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में जो सबसे अच्छी बात होती है, गोल्डन क्रॉसओवर जैसे बना, अब देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, आप इसमें देख पा रहे हो कि किस तरीके से हायर हाइज बन रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, हायर हाइज बिल्कुल बन रहे हैं देखिए। और अभी देखिए ये लो बना है, और लो पॉइंट के आसपास आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक मुझे जो क्लियर पिक्चर दिख रही है, ज्वाइंट दिख रहा है, और ज्वाइंट का मतलब आप समझते हो कि ये जो आप इसको कह सकते हो कि ज्वाइंट दिख रहा है आपको पॉजिटिव मोमेंटम। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर काइंड ऑफ माइंडसेट से देखते हो इस स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि आप इस ज्वाइंट का अगर आप सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर रैली करेगा, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, सीधे सीधे 183 पे आपका स्टॉप लॉस है, उसके बाद शेयर का आप ऊपर की साइड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट है यानी कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि स्टॉक अब जितनी स्पीड अपर ऊपर मूव करता है, तो उसका करेक्शन जो है इस तरीके से यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यानी कि 178 के लेवल पे आ सकता है, तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा, अगर और थोड़ा करेक्शन आता है तो स्टॉक 160 के लेवल पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज, और जैसा कि हम देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर बनने के बाद ये एक डायमंड अपॉर्चुनिटी होती है, और ये वाली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये मैंने यहां पे टाटा मोटर्स का आपको एक बेसिक टेक्निकल लेवल पे, साथ में रिजल्ट जो है 30 जनवरी का आने वाला है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पूरा फोकस टाटा मोटर्स की तरफ है, तो देखिए जरा इस शेयर को, समझे इस शेयर को। लेकिन जब तक ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तभी बढ़िया, अगर नीचे जाता है तो मतलब फिर से डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टॉक मेजर जो है, ये जो हाई फॉर्मेशन 240 का लेवल है, अगर इसको पार करता है देन आप ही नहीं, यहाँ पे पूरी दुनिया, यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा चंक ऑफ इन्वेस्टर जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ये 240 के लेवल को पार करते, क्योंकि ये आपका एक नया इस मेजर डाउन ट्रेंड का हाई बन जाएगा। तो जो ये बड़ा करेक्शन था उसके लिए ये एक जंप था, लेकिन इसको अगर पार कर देता है तो भाई मैं कहूँगा बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 240 जो है मेजर हिंड्रेंस इसके लिए है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।